के किंग शाहरुख खान की पठान मूवी को लेकर बायकॉट की सिलसिला जारी है। इसी बीच दीपिका पादुकोण लाइव सेशन में आके धो दिया है और कहा इतनी बड़ी बात, आप सुनेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही साथ आप लोग को हम ये भी बता देंगे आखिरकार दीपिका पादुकोण ऐसा क्यों कहा। इसलिए कहा है कि आप लोग को पता है कि दीपिका पादुकोण का मूवी जो है पठान आ रहा है और पठान मूवी का बायकॉट का सिलसिला जारी है। बायकॉट का सिर्फ रीजन इतना है, बेशरम रंग के गाने पर बिकनी पहनी हुई दिखाई दे रहे हैं और उस बिकनी के समय जो है भगवा कलर का है और बेशरम कहते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आप लोग को बता दें हालांकि उसमें कई मल्टीपल कलर के बिकनी पहनी हुई है, हालांकि लोगों को सिर्फ एक कलर पर दिक्कत है जिसका नाम है भगवा। और आपको हम बता दें कि आखिरकार दीपिका पादुकोण ने क्या कहा है, आपको हम ये बता देते हैं। दीपिका पादुकोण ने कहा है हम अपना जो इनकम है और अपना जो प्रमोशन है खुद कर रहे थे, लेकिन आपके बायकॉट के कारण पूरी दुनिया में हमारा प्रमोशन हो रहा है। इसी प्रमोशन के चलते हमें रिलीज से पहले ओटीटी प्लेटफॉर्म वाले ने 2 अरब रुपये में का जो खरीद लिया है, मतलब बजट का आधा तो पैसा हम निकाल चुके हैं और रिलीज से पहले एडवांस बुकिंग जारी है। पहला ही दिन इतना इनकम कर लेंगे कि जितना हमारा बजट है वो निकल जाएगा। आप इसके बारे में क्या कहते हैं कमेंट जरूर।